प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स। जो पीड़ित होते आए हैं समाज में उनके प्रति अपराध बढ़ा है, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध बढ़ा, बच्चों नाबालिग बच्चों के विरुद्ध भी अपराध की घटनाएं बढ़ी है। इससे स्पष्ट साफ होता है कि कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। ये सरकार दो गुटों में बंट गई है, इनके दो ध्रुव बन गए हैं। एक में मुख्यमंत्री जी का कोई गुट है और एक में डिप्टी सीएम साहब का कोई गुट है। ये गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं। ये सीधी सीधी जिम्मेदारी गृह मंत्री जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उन पे आती है कि इतनी शर्मसार करने वाली मानवता को घटने वाली घटना घटती है और पुलिस कहती है कि हमें तो 3 दिन बाद 19 तारीख को 10:40 पे पता चला कंट्रोल रूम से। ऐसा हो नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। जिसको हम मॉडर्न पुलिसिंग कहते हैं और पुलिस में आजकल पढ़ाया भी जाता है कि पुलिस का मतलब ये नहीं है कि FIR दर्ज हुई और आप उसकी घटना की जांच करो, उससे पहले कुछ भी घटा है और अगर बाजार में चर्चा है, गांव में चर्चा है, किसी समाज में चर्चा है, उसको भी सुनकर के भी कार्रवाई करो। इसमें यहाँ पे पुलिस की नाकामी साबित होती नजर आ रही है और इसके लिए भी ये जो वर्तमान सरकार है कांग्रेस वो जिम्मेदार है। हम घटना के बाद पूरा विवरण आपको और देने वाले हैं। सर, एक पीड़ित कल नागौर जेल अस्पताल आया था मेडिकल करवाने के लिए, उस स्थिति के अनुसार ये लग रहा है कि पीड़ित अभी भी डरा सहमा हुआ है, तो बीजेपी क्या गवर्नमेंट से इस परिवार को सुरक्षा? और देखिए, भारतीय जनता पार्टी उस पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा दिलाने की मांग करती है, उसको पूरी आर्थिक सहायता दिलाने की भी मांग करती है और उसके परिवार के साथ जो इतना घटना घटी है उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जांच होकर के अपराधियों को जल्दी से जल्दी सजा मिले, इसकी भी मांग करती है। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स।